करते हैं गंगा नदी बहुत बड़ा एक सिस्टम बनाऊंगा मैं एक डायग्राम बनाऊंगा बहुत बड़ा डायग्राम होने वाला है तो अच्छे से समझिएगा पहले ठीक ना देखिएगा होता क्या है कि सबसे पहले दो नदियां आकर मिलती हैं और इन दोनों नदियों को अब भली भांति जान गए हैं एक नदी का नाम है अलकनंदा कौन सी नदी है अलकनंदा और दूसरी नदी का मैंने आपको नाम बताया था भागीरथी एक अलकनंदा और दूसरी नदी का नाम बताया था मैंने भागीरथी अलकनंदा और भागीरथी जिस जहां पर आकर मिलती हैं मैंने बताया था इस स्थान का नाम इस स्थान का नाम है देवप्रयाग कहां कहाँ पर है देवप्रयाग उत्तराखंड देवप्रयाग उत्तराखंड देवप्रयाग के बाद जो नदी आगे बनती है इस नदी का नाम ही है गंगा ये नदी इस प्रकार से बहती है और पश्चिम बंगाल में आते हुए यहाँ पर एक बांध है और इस बांध का नाम फरक्का फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में और फरक्का बांध से यह दो वितरिकाओं में विभाजित होती है वितरिका एक शब्द आया है वितरिका क्या होता है तो जब कोई मुख्य नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है और इसके ये दोनों भाग कभी भी नहीं मिलने हुए ऐसे दो भाग जो बाद में कभी भी नहीं मिल सकते हैं तो ऐसे भागों के लिए ही एक शब्द यूज किया जाता है वितरिका एक मुख्य नदी जो दो भागों में विभाजित हो जाती है और विभाजित होने के बाद वह कभी भी आपस में नहीं मिलती है तो उसी के लिए एक शब्द यूज किया गया और शब्द यूज किया गया वितरिका तो गंगा की दो वितरिकाएं हैं कौन सी हैं बाद में समझाएंगे निर्मित होती है यहाँ से देवप्रयाग से गंगा और इस प्रकार आगे बढ़ती है पिछले वीडियो मैंने बताया था जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल बांध कहाँ पर है पश्चिम बंगाल तो इन पांच राज्यों में बहती है और पश्चिम बंगाल से जब दो वितरिकाओं में बटती है तो एक वितरिका भारत में रहती है और इसी को नाम दिया गया हुगली आपसे प्रश्न पूछा जाता फरक्का बांध किस नदी पर है ऑप्शन ए हुगली नदी ऑप्शन बी गंगा नदी और बांग्लादेश में जो नदी चली जाती है बांग्लादेश में इसी गंगा नदी के लिए एक शब्द यूज किया जाता है और शब्द यूज किया जाता है पदमा कौन सी नदी पदमा नदी <coughs> तो अगर आपसे पूछा जाए कि फरक्का बांध वैशिकली है किस नदी पर ऑप्शन ए गंगा ऑप्शन बी हुगली ऑप्शन सी पदमा तो आप बताएंगे सर हुगली नदी पर किस राज्य में पश्चिम बंगाल और इसी हुगली नदी पर इसी हुगली नदी किनारे एक महत्वपूर्ण शहर है जो कभी भारत की राजधानी रहा था इस शहर का नाम है कोलकाता पूर्व का लंदन के नाम से जाना जाता है कोलकाता शहर पूर्व कलंदन कहते हैं किस नदी किनारे है हुगली नदी किनारे है किस नदी किनारे हुगली नदी हावड़ा ब्रिज नाम सुने हैं हावड़ा हावड़ा ब्रिज भी हुगली नदी पर ही है कोलकाता में ठीक ना याद रखिएगा इस प्रकार गंगा नदी आती है मैंने बताया था यहाँ पर एक शहर मैंने आपको ऋषिकेश बताया था सबसे पहले कौन सा शहर मिलता है ऋषिकेश और ऋषिकेश के बाद दूसरा महत्वपूर्ण शहर कौन सा मिलता है हरिद्वार ये बातें हमारी आपकी पहले भी हो चुकी हैं ऋषिकेश के बाद कौन सा मिलता है हरिद्वार तो ये बातें हमारी पहले भी हो चुकी हैं बोर्ड छोटा है तो जो पहले हम पढ़ा दिए हैं उन पर आप चर्चा नहीं करेंगे उत्तराखंड के बाद गंगा नदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो जिस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है उस जिले का नाम है सहारनपुर क्या नाम है सहारनपुर सहारनपुर से आगे बढ़ती है तो सहारनपुर से जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शहर है और इस शहर का नाम है कन्नौज क्या नाम है कन्नौज और कन्नौज शहर में कहीं पर कन्नौज लिखा मिलेगा कहीं पर हरदोई कन्नौज शहर में एक नदी आती है और कन्नौज शहर में आकर गंगा से मिल जाती है अगर नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है रामगंगा रामगंगा, और रामगंगा नदी जो है वो जिस हिमालय से निकलती है उस हिमालय का नाम है कुमायूं कहाँ से निकलती है तो रामगंगा नदी जो है वो जिस हिमालय से निकलती है उस हिमालय का नाम है कुमायूं हिमालय थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है कौन सा हिमालय है तो यहाँ पर एक हिमालय है और उस हिमालय का नाम है कुमायू हिमालय ठीक है ना याद रखना है इसी रामगंगा नदी किनारे इसी रामगंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है राय बरेली सॉरी राय बरेली बरेली इस नदी किनारे एक महत्वपूर्ण शहर है उत्तर प्रदेश का बरेली सुरमा के लिए फेमस है बरेली का सुरमा ठीक है ना उत्तर प्रदेश स्पेशल में पढ़ना होता है बरेली मेरठ किस के लिए जाने जाते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि बरेली शहर किस नदी किनारे स्थित है रामगंगा नदी किनारे है रामगंगा नदी का संबंध किन दो राज्यों से कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में उत्तराखंड से निकलती है और आके कहा मिल जाती है नदी कन्नौज और कन्नौज कहां पर है कन्नौज है उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ठीक ना उसके आगे यहां पर एक महत्वपूर्ण शहर है और यहां पर जो महत्वपूर्ण शहर है इस शहर का नाम है प्रयाग प्रयाग अर्थात इलाहाबाद प्रयागराज प्रयाग में आकर एक नदी गंगा से मिल जाती है इस नदी तो जो ऊपर वाला उत्तर नीचे वाला दक्षिण तो जो अभी हम गंगा नदी के उत्तरी तट से आने वाली नदियों को पढ़ेंगे यानी ऊपर से आने वाली नदियों पढ़ेंगे बाद में नीचे से आने वाली नदियों को पढ़ेंगे ठीक ना तो अभी इसको हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ की जो भी नदी है उनको हम छोड़ दे रहे हैं प्रयाग के आगे यहाँ पर बनारस है बनारस के आगे गाजीपुर बनारस के आगे एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है गाजीपुर और इस गाजीपुर में एक नदी आती है जो गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है तो इलाहाबाद के आगे गाजीपुर और अगर हम नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है गोमती इस नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है गोमती नदी और गोमती नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में ही एक जिला है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है जिले का नाम है पीलीभीत जिला कौन सा जिला है पीलीभीत जिला और उस पीलीभीत जिले में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील क्या नाम है फुलहर झील तो ये नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से निकलती है दूसरी बात यह है कि पीलीभीत का जो क्षेत्र है वो मैदानी भाग है पीलीभीत जिला जो है वो मैदानी भाग है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमा सॉरी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नाम क्या आया सहायक सहायक नदी ऐसी नदी कहा जाता है जो अपना जल किसी दूसरे नदी को दे दे और अपना जीवन समाप्त कर दे उदाहरण के तौर पर यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना के बारे में आपने सुना भी है इस प्रकार ये नदी बहती है और प्रयाग में आकर गंगा से मिल जाती है क्या प्रयाग के बाद आपको यमुना नदी दिखाई देती है नहीं दिखाई देती है यमुना नदी समाप्त हो जाती है प्रयाग में यहाँ से जो नदी आगे बनती है उस नदी का नाम क्या है तो उस नदी का नाम है गंगा उस नदी का नाम क्या है गंगा तो एक ऐसी नदी एक ऐसी नदी जो अपना जल किसी दूसरे नदी को दे दे और स्वयं का जीवन समाप्त कर दे तो ऐसी नदी को हम क्या नाम दे देते हैं तो ऐसी नदी के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं और क्या शब्द यूज करते हैं सहायक तो गंगा की अभी और सहायक नदी आएंगी तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो किसी मैदानी क्षेत्र या झील से निकलती है आप बताएंगे गोमती और इस गोमती नदी के किनारे इस गोमती नदी किनारे उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। इस गोमती नदी किनारे उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं एक महत्वपूर्ण शहर का नाम है लखनऊ जिसे नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं एक तौर पर आप और दूसरा है जौनपुर जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है जौना खा की याद में बसाया गया था ठीक ना जौनपुर तो गोमती नदी किनारे एक शहर है जिसका नाम लखनऊ और दूसरा महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है जौनपुर उसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शहर है जो बिहार की राजधानी है और इस बिहार की राजधानी का नाम है पटना नीचे से एक नदी आती है जो पटना में आके गंगा नदी से मिल जाती है अगर इस नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है सोन नदी नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है सोन नदी और सोन नदी कहाँ से निकलती है तो एक पठारी क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है एक पठारी क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है और इस पठारी क्षेत्र का नाम है अमर कंटक क्या नाम है इसका नाम है अमरकंटक पठार तो अमरकंटक पठार से निकलती है और पटना शहर के समीप और पटना को छठी शताब्दी पूर्व मगध साम्राज्य में पटना को पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था ये जो आप देख रहे हैं गंगा और सोन नदी के बीच का क्षेत्र ये वाला ये गंगा और सोन नदी के बीच के क्षेत्र में ही स्ट... छठी शताब्दी से पूर्व में जो सोलह महाजनपद थे उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध साम्राज्य था मगध साम्राज्य या मगध जनपद सबसे शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि उसके एक ओर दो और तीन ओर तीन ओर पानी था जल था और उस समय तक नौसेना का विकास नहीं हुआ था इसलिए इस साइड झारखंड का पठार है झारखंड का छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है और वो पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था धीरे धीरे अपर्दन के कारण वो घिस गया तो यहां से भी पर्वत है यहां से भी सुरक्षित नदियां हैं, यहां से भी सुरक्षित एक ऐसा देश जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हों, जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हों वह बहुत ज्यादा संपन्न होता है वह बहुत ज्यादा संपन्न होता है क्योंकि उसको व्यर्थ का पैसा सेना और व्यर्थ का पैसा हथियार खरीदने के लिए नहीं करना होता है आप देख रहे हैं भारत सरकार बहुत सारा पैसा अपना डिफेंस में लगा देती है यूएस लगा देती है तो आज के समय में तो डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पैसा लगता है क्योंकि हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है अगर हम सीमाओं पर अपनी सेना को खड़ी नहीं करेंगे उनके लिए नए हथियार नहीं, नहीं खरीदेंगे तो कहीं कही ना कहीं हम फिर से गुलाम बन सकते हैं ठीक ना समझिएगा बात <coughs> पटना के जस्ट पहले एक छोटा सा शहर है ठीक ना और इस शहर का नाम है छपरा यहां पर एक शहर है शहर का नाम क्या है छपरा एक नदी आती है नेपाल के क्षेत्र से निकलती है नेपाल के क्षेत्र से निकलती है और छपरा में आकर मिल जाती है इसको मैं किसी दूसरे कलर से बना देता हूं एक नदी निकलती है और पटना के पहले छपरा नामक स्थान पर मिलती है इस नदी का नाम है घाघरा इस नदी का नाम क्या है इस नदी का नाम है घाघरा नदी नेपाल से ही एक और नदी निकलती है जो घाघरा नदी में आकर मिल जाती है और इस नदी की बात की जाए तो इस नदी का नाम है राप्ती और राप्ती नदी के किनारे ही उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर गोरखपुर स्थित है कौन सा शहर स्थित है गोरख गोरखपुर कौन सा शहर है गोरखपुर और घाघरा और राप्ती नदियां जहां पर मिलती हैं आप लोगों में से कोई होगा देवरिया का देवरिया में मिल जाती है कहां पर मिल जाती है देवरिया इस घाघरा नदी से एक नदी और आकर मिलती है इस घाघरा नदी से एक नदी और आकर मिलती इस प्रकार और इस नदी का नेपाल के क्षेत्र निकलती है अगर इस नदी की बात की जाए तो इस नदी का नाम मिल गया सरयू नदी क्या नाम है तो इस नदी का नाम है सरयू थोड़ा मैं इसको नीचे कर देता हूं ठीक नदी का नाम क्या है तो यहां पर एक नदी है जिसका नाम है सरयू नदी और सरयू नदी घाघरा नदी से मिलती है और सरयू घाघरा से जहां पर मिलती है सॉरी सरयू नदी घाघरा नदी पर जहां से मिलती है यहां पर बहराइच बहराम घाटपुर क्या नाम है बहराइच या बहराम घाटपुर सरयू सॉरी सारदा शारदा नदी ठीक ना सरयू शारदा शारदा नदी कहाँ पर मिलती है बहराम घाटपुर में मिलती है जो भी बहराइच के होंगे बहराइच को पहले बहराम घाटपुर के नाम से जाना जाता था तो बहराइज शहर बहराइज शहर कहाँ पर है घाघरा और शारदा के संगम पर है देवरिया कहाँ पर है घाघरा और राप्ती इस वाले क्षेत्र को इस वाले क्षेत्र को मिथिला का मैदान कहा जाता है क्या नाम दिया जाएगा पूर्वी मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और जो बिहार में आ जाता है मिथिला मिथिला कुमारी मिथिला कुमारी के नाम से कौन थे सीता जी ठीक है ना तो मिथिला मिथिला प्रदेश के नाम से जाना जाता था और ये क्षेत्र जो है कौन सा क्षेत्र राप्ती घाघरा शारदा नदी के बीच का क्षेत्र ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गन्ने की खेती की जाती थी बहुत अधिक मात्रा में गन्ने की खेती की जाती थी उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल प्रतापपुर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी कहाँ पर प्रतापपुर और ये प्रतापपुर नामक स्थान कहाँ पर है देवरिया में है प्रतापपुर नामक स्थान कहाँ पर है तो ये देवरिया में है ये बात आपको याद रखनी है ठीक ना उसके बाद हम छपरा छपरा के आगे पटना और पटना के आगे बढ़ेंगे पटना के आगे यहाँ पर एक जगह है कहीं पर हाजीपुर लिखा रहता है तो कहीं पर सोनपुर सोनपुर का प्रसिद्ध मेला पशु मेला सोनपुर में बहुत प्रसिद्ध पशु मेला लगता है एशिया का सबसे बड़ा नेपाल के क्षेत्र से सात छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण कर देती हैं जिसका नाम है कोसी क्या नाम है नदी का नाम क्या है कोशी तो कोशी नदी के पहले एक नदी और घाघरा एक नदी और कोशी नदी के पहले एक नदी और यहाँ पर नेपाल के क्षेत्र से ही एक नदी और निकलती है और जो नदी यहाँ से आती है इस नदी का नाम क्या है जो हाजीपुर में आकर मिलती है इस नदी का नाम है गंडक इस नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है गंडक नदी ठीक ना उसके बाद नेपाल के क्षेत्र में सात छोटी छोटी नदियाँ सात छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं और जिसका नाम है कोशी क्या नाम है कोशी नदी कोशी नदी और कोशी नदी ऐसे आगे प्रवाहित होती है और भागलपुर बिहार में एक बड़ा महत्वपूर्ण जिला है बिहार का भागलपुर भागलपुर में आकर ये क्या कर देती है भागलपुर में आकर कोशी नदी अपना जल गंगा नदी को दे देती है भागलपुर में आकर कोशी नदी अपना जल गंगा नदी को दे देती है अर्थात कोशी नदी किस नदी की सहायक नदी हो जाती है तो कोशी नदी सहायक हो जाती है किस नदी की गंगा किसकी गंगा इस कोसी नदी के द्वारा बिहार में अत्यधिक बाढ़ आती है इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कोसी नदी के द्वारा बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि अपने द्वारा अधिकांश मात्रा में अवसाद हिमालय क्षेत्र से निकल रही है हिमालय का कटाव करते हुए निकलती है अपने साथ पर्याप्त मात्रा में अवसाद रेत कंकड़ बालू पत्थर आदि चीज़ों को बहा कर लाती है और एक स्थान पर उनको पर स्थापित कर देती है निक्षेपित कर देती है जिस कारण से आगे चल के क्या करती है मार्ग बदल लेती है इसलिए इसे मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी या इसको विद्रोही नदी या फिर इसको विश्वासघाती नदी के नाम से जानते हैं जिस नदी के द्वारा बाढ़ आएगी उनके लिए हम विश्वासघाती या विद्रोही नदी

और इस नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है महानंदा ना कि महानदी महानंदा नदी क्या महा नाम इसका तो इस नदी का नाम महानंदा नदी जो बिल्कुल का डैम फरक का बांध के समीप जाके किससे मिलती है गंगा से मिल जाती है ठीक है ना तो इतनी सारी ए उत्तर दिशा से नदियां कर आ रही हैं वो है इसी में पहले इसी से संबंधित हम प्रश्न कर लेते हैं फिर दक्षिण से जो नदी आएंगी उनको ठीक है ना देखिएगा पहला गंगा की एकमात्र सहायक एक नदी का नाम बताइएगा जो मैदानी क्षेत्र से निकलती मैं बता चुका हूं इसका नाम क्या है तो इस नदी का नाम है गोमती इस नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम गोमती दूसरा गंगा की एक ऐसी सहायक नदी का नाम बताइएगा जो पठारी क्षेत्र से निकलती कौन सी निकल रही सो नदी कहाँ पर पटन, पटना में जाकर अपना पानी किसो दे रही है पटना में जाकर अपना पानी को दे रही है गंगा नदी को आगे वाली दिशा पूरब होती है पीछे वाली दिशा क्या होती है पीछे वाली दिशा पश्चिम होती है तो समझिएगा पीछे वाली दिशा पश्चिम होती है गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी महानंदा पश्चिम बंगाल में सबसे पश्चिमी सहायक नदी रामगंगा कहां पर मिलती है कन्नौज हरदोई के क्षेत्र में मिल जाती कई बार वो ऐसे प्रश्न दे देता है देखिएगा मैं प्रश्न बना के दिखाता हूं। सहर, संबंधित नदी कौन सा शहर किस नदी किनारे स्थित संबंधित नदी आपके ट्रिपल एस में ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपको दे देगा आपको नाम दे देगा एक शहर का नाम दे देगा ऋषिकेश दूसरे शहर का नाम दे देगा बहराइच ठीक ना इस प्रकार से नाम देता है तीसरे शहर का नाम दे देगा वो जौनपुर जौनपुर चौथे शहर का नाम दे देगा मान ली बरेली और यहां पर शहर दिए जाएंगे या तो उनको सही सुमेल करने होंगे या सही सुमेलित होंगे वो गंगा नदी राप्ती नदी गोमती नदी रामगंगा नदी आपसे प्रश्न करेगा निम्न से प्रश्न में शहर उनसे संबंधित नदी दी गई है कौन सा शहर के कौन से शहर की स्थिति सही नहीं है यानी कौन सा शहर है जो उससे संबंधित नदी किनारे स्थित नहीं है अगर हम बात करें ऋषिकेश की अगर हम बात करते हैं ऋषिकेश तो ऋषिकेश यहाँ पर है मैंने बताया था देवप्रयाग के आगे ऋषिकेश उसके बाद कौन सा हरिद्वार तो ऋषिकेश गंगा नदी किनारे बिल्कुल सही बात बरेली रामगंगा नदी किनारे बिल्कुल सही बात उसके बाद कौन सा है यहाँ पर और तीसरे नंबर पर कौन सा था बहराइच बहराइच बहराम घाटपुर शारदा और घाघरा नदी के संगम पर है लेकिन यहां पर क्या ऑप्शन में दिया है यहाँ पर राप्ती गलत राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर है राप्ती नदी के किनारे जो शहर है उसका नाम है गोरखपुर जौनपुर गोमती नदी किनारे और बरेली किस नदी किनारे रामगंगा इस प्रकार से प्रश्न पूछता है वो ठीक ना अगला प्रश्न समझिएगा अगला प्रश्न ये रहेगा कि कई बार वो शहर दे देगा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं, नहीं है या तो ऐसा पूछ लेगा तो गंगा नदी किनारे कौन कौन से हैं या ऐसा पूछ लेगा तो यहीं से बढ़ते हैं देवप्रयाग देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश हरिद्वार कन्नौज कन्नौज के आगे जो महत्वपूर्ण है कन्नौज के आगे बढ़ेंगे प्रयाग प्रयाग के आगे कौन सा प्रयाग के आगे कौन सा है यहाँ पर बनारस बनारस के आगे गाजीपुर छपरा पटना हाजीपुर भागलपुर यही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है हैं तो बहुत सारे हैं तो बहुत फतेहपुर भी आपका बहुत सारे ऐसे राज्य मिल जाएंगे बनायू है आपका बहुत सारे हैं बुलंदशहर है तो बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे लेकिन आपको जो महत्व महत्वपूर्ण जहाँ पे नदियाँ आकर मिलती हैं उनको याद रखना है एक तो ये हो गया दूसरा आगे वाली दिशा पूरब होती है पीछे वाली दिशा पश्चिम प्रश्न दे देगा दिए गए शहरों दिए गए शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है इन शहरों की पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व स्थिति ज्ञात कीजिएगा तो सबसे यहाँ से बात करें पूरा में भागलपुर भागलपुर के पश्चिम में हाजीपुर या सोनपुर उसके पश्चिम में पटना उसके पश्चिम में छपरा उसके पश्चिम में गाजीपुर उसके पश्चिम में बनारस उसके पश्चिम में प्रयाग उसके पश्चिम में कन्नौज उसके पश्चिम में हरिद्वार उसके पश्चिम में कन्नौज सॉरी ऋषिकेश और उसके पश्चिम में कौन सा उसके पश्चिम में देव प्रयाग इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा ये उत्तर से आने वाली नदियाँ हैं अब गंगा नदी के दक्षिणी भाग या दक्षिणी तट पर मिलने वाली नदियों को समझते हैं ठीक ना आइएगा मान लीजिएगा इस प्रकार ये गंगा नदी बह रही है ठीक ना इस प्रकार से गंगा नदी बह रही है हम बल्कि थोड़ा और ऊपर ही बनाएंगे मान लीजिएगा इस प्रकार से गंगा नदी बह रही है और यहाँ पर एक डैम है और इस डैम का नाम क्या है फरक्का फरक्का बांध समझिएगा अच्छे से कौन सा बांध है फरक्का बांध पश्चिम बंगाल यहाँ पर बांग बांग्लादेश में इस नदी को क्या नाम दिया जाता पदमा क्या नाम दिया जाता पदमा और भारत देश में ही पश्चिम बंगाल में इस नदी को नाम दिया जाता है हुगली नदी कौन सी है ये तो ये नदी है गंगा कौन सी नदी है गंगा लंबाई 2525 किलोमीटर हुगली नदी किनारे मैंने आपको बताया था हुगली नदी किनारे एक महत्वपूर्ण शहर है और हुगली नदी किनारे जो महत्वपूर्ण शहर है इस महत्वपूर्ण शहर का नाम है कोलकाता इस महत्वपूर्ण शहर का नाम क्या है कोलकाता और इस कोलकाता शहर में एक नदी आकर मिल जाती है अब जो नदी आकर मिलती है इस नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है दामोदर इस नदी का नाम क्या है इस नदी का नाम है दामोदर नदी और दामोदर नदी जहां से निकलती है पठारी क्षेत्र है और इस पठारी क्षेत्र जो है वो झारखंड राज्य में है ये पठारी क्षेत्र कहाँ पर है ये पठारी क्षेत्र झारखंड में है और झारखंड में कहाँ? छोटा नागपुर छोटा नागपुर पठार में कहाँ पर है छोटा नागपुर पठार ठीक ना समझिएगा छोटा नाग दामोदर नदी दामोदर नदी की बात कर रहे हैं तो दामोदर नदी झारखंड से निकलने के बाद पश्चिम बंगाल जाती है कहाँ जाती है पश्चिम बंगाल झारखंड पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मध्य में ये थोड़ी सी सीमा बनाती है तीन राज्यों में है झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दामोदर नदी के द्वारा बंगाल में पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में अधिक मात्रा में बाढ़ आती है एक्चुअली में यह है तो बरसाती नदी क्योंकि पठार से निकल रही है है बरसाती लेकिन अधिक बारिश होने के कारण क्योंकि बंगाल खाड़ी किनारे ही है तो जब यहाँ से मानसून प्रवेश करता है तो अच्छी खासी बारिश होती है तो इस नदी के द्वारा बंगाल के क्षेत्र में बाढ़ आती है और बंगाल के क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है क्या नाम दे दिया जाता है इसको एक नाम दे दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है बंगाल का शोक दो प्रश्न बन गया। पर दामोदर नदी किसकी सहायक नदी पहली बात तो तो दामोदर नदी जिसकी सहायक ना कि नाम से किस नदी को जाना जाता है दामोदर दामोदर नदी के क्षेत्र से भारत को सर्वाधिक कोयला की प्राप्ति होती है किसकी प्राप्ति होती है कोयला और कोयला की प्राप्ति होने के कारण इसको भारत की रूर नदी कहा जाता है क्योंकि एक नदी है रूर नाम की जो जर्मनी में बहती है और उस नदी के क्षेत्र से सर्वाधिक मात्रा में कोयला मिलता है उसी प्रकार भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयला जिस नदी क्षेत्र से मिलता है उस नदी का नाम क्या है तो उस नदी का नाम है दामोदर क्या नाम है दामोदर अंग्लस समझिएगा यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पर एक शहर है और इस शहर का नाम क्या है इस शहर का नाम पटना और पटना में एक नदी आकर मिलती है नदी का नाम तो इस नदी का नाम है सर सो नदी क्या नाम है तो इस नदी का नाम सो नदी और सो नदी जिस पठारी क्षेत्र से निकलती है इस पठार का नाम है अमरकंटक इस पठार का नाम क्या है तो इस पठार का नाम है अमरकंटक पठार क्या नाम है अमरकंटक पठार सोन नदी ठीक ना अगले समझिएगा यहां पर प्रयाग है प्रयागराज इलाहाबाद उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर यमुनोत्री ग्लेशियर इस यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और जाके प्रयागराज में जाकर मिल जाती है प्रयागराज में जाकर मिलती है इस नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है यमुना क्या नाम है इस नदी का नाम है यमुना नदी इस नदी का नाम क्या है इस नदी का नाम है यमुना नदी यमुना नदी आपके उत्तराखंड से निकलती है उत्तराखंड के बाद दिल्ली दिल्ली के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा से प्रवेश करती है नोएडा से प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ती है तो मथुरा मथुरा के बाद आगे बढ़ती है आगरा आगरा के बाद आगे बढ़ती है इटावा यहाँ पर मैं डी लिख दे रहा हूं दिल्ली कौन कौन से शहर हैं, वो लिख रहे हैं मथुरा आगरा मथुरा आगरा इटावा बुंदेलखंड में प्रवेश करती है बुंदेलखंड की एक अच्छी स्थान है कालपी कालपी के बाद आगे बढ़ती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाती है बुंदेलखंड में हमीरपुर और हमीरपुर के बाद बांदा और बांदा से होते हुए कहाँ बांदा से होते हुए प्रयागराज मिल जाती है इटावा इटावा में एक नदी आकर मिलती है यमुना से इटावा में एक नदी मिलती है यमुना से और जो नदी मिलती है इस नदी का नाम है चंबल इस नदी का नाम क्या है चंबल नदी तो चंबल नदी किसके सहायक होगी यमुना चंबल नदी चंबल नदी की भी एक दो सहायक नदियां हैं जैसे एक नदी का नाम है पार्वती ए चंबल की सहायक नदी है पार्वती नदी ठीक है ना एक नदी का नाम है काली सिंध काली सिंध पार्वती काली सिंध ठीक ना एक इस साइड से नदी मिलती है चंबल नदी में इस नदी का नाम है वनास वनास नदी राजस्थान में बहती है वनास ठीक ना तो पार्वती और काली चंबल की साइड एक नदी कहां से निकलती है ये बताते हैं अभी हमीरपुर में जाके मिलती है यमुना से इस नदी का नाम है बेतबा बेतबा बुंदेलखंड की सबसे लंबी नदी बुंदेलखंड प्लेटू से होते हुए बहती है और एक नदी है जो बाना में जाकर मिलती है और इस नदी का नाम क्या है तो इस नदी का नाम है केन नदी क्या के नाम है के अगर देखा जाए तो ये नदियां जो हैं ये हैं ये विंध्यांचल पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं कहाँ से निकलती हैं विंध्यांचल पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं कौन सी वन आपकी चम्बल है बेतबा है केन है पार्वती है काली सिंध है और साथ ही साथ एक और नदी ये नदी बड़ी फेमस है नाम भी सुने होंगे इस नदी का नाम है टोंस नदी टोंस नदी आती है इलाहाबाद के आगे टोंस नदी इस प्रकार बहती है कौन सी नदी है जो येलो कलर से बनाए हैं इस नदी का नाम है टोंस टोंस नदी और टोंस नदी इलाहाबाद के आगे इलाहाबाद के आगे सिरसा नामक स्थान पर कौन से सिरसा इलाहाबाद के समीप सिरसा नामक स्थान पर ये कहाँ मिल जाती है यमुना से सॉरी कहाँ मिल जाती है गंगा से मिल जाती है अब देखिए वो आपको फंसाता कैसे है वो आपको ऐसे फंसाता समझिएगा वो चार नदियाँ दे, दे देगा आपको एक नदी का नाम है चंबल एक का नाम बेतबा एक का नाम केन एक का नाम टोंस और पूछेगा निम्नलिखित नदियों में से भिन्न कौन है तीनों चारों की चारों नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र से निकल रही हैं मतलब उद्गम स्थान तो एक है इनका अंतर क्या है आप देखिएगा चंबल यमुना में रही है बेतबा भी यमुना में रही है केन भी यमुना में है, लेकिन टोंस नदी कहाँ पर जाकर मिलती है गंगा यानी टोंस नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है जबकि चंबल बेतबा और केन एक किस कि ये किसकी सहायक नदियां हैं ये यमुना की सहायक नदियां किसकी सहायक नदियाँ हैं यमुना की सहायक नदियाँ टोंस नदी किसकी होगी टोंस नदी गंगा की होगी सो नदी भी किसकी सहायक नदी है सो नदी भी गंगा की सहायक नदी है गंगा की कुछ सहायक नदियां मैंने यहां पर बनाई और कुछ सहायक नदियां ये हैं इन सभी सहायक नदियों में देखा जाए इन सभी सहायक नदियों में देखा जाए तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है यमुना नदी यह प्रश्न कई बार पूछा गया गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम हालांकि बहुत सिंपल सा प्रश्न है हर कोई जानता होगा इसका आंसर तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे तो आप इसका आंसर बताएंगे यमुना नदी ठीक ना यमुना अब देखिएगा, यहां पर चंबल नदी है कौन सी नदी है चंबल नदी है चंबल नदी पर चंबल नदी पर तीन बांध निर्मित है आपको ऐसी पढ़ना है चंबल नदी पर तीन महत्वपूर्ण बांध हैं। इन बांधों को याद रखना है आपको एक बांध का नाम है राणा सागर बांध राणा सागर बांध है ये आपको पता लगाना है एक बांध का नाम है जवाहर राज्य और उस राज्य के किस जिले में है ये भी जवाहर सागर बांध ये होमवर्क है जवाहर सागर बांध और एक बांध और है जिसका नाम है गांधी सागर क्या नाम है गांधी सागर बांध किस राज्य में है और उस राज्य किस डिस्ट्रिक्ट में है यह आपको पता लगाना है उसके बाद बुंदेलखंड पठार की एक महत्वपूर्ण नदी बेतवा बेतवा नदी बेतवा नदी पर आपको दो बांध याद रखने हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध रानी लक्ष्मीबाई बांध माता टीला बांध माता टीला बांध और परीक्षा बांध परीक्षा नहीं बोला परीक्षा बोला है परीक्षा बांध ये आपको याद रखना परीक्षा बांध ए कहां पर है ये आपको पता लगाना ये आपका होमवर्क है ठीक ना? हुंबर्क है ना ये आपका होमवर्क है होमवर्क भी धीरे धीरे चलते करते रहिए ट्रिपल एस के अंतर्गत या ट्रिपल एस का जो सिलेबस है जितनी उसकी सोच है उस हिसाब से मैं आपको अध्ययन करा रहा हूँ इससे बाहर मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ मेरे सब्जेक्ट अगर पूरा सब्जेक्ट आपने मुझसे पढ़ा पूरा सब्जेक्ट मुझसे पढ़ा जितनी मेहनत मैंने की उतनी मेहनत अगर आपने भी की तो ये कन्फर्म बाबू एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा यह कन्फर्म है कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा इस बात को याद रखिएगा एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां लेखपाल का बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें प्रवेश के लिए आपको एट सेवन थ्री सिक्स जीरो नाइन थ्री थ्री वन सिक्स थ्री वन सेवन सॉरी फिर से बता रहा हूं एट सेवन थ्री सिक्स जीरो नाइन थ्री थ्री वन सेवन इस नंबर पर आपको एंट्री लेखपाल लिखकर भेज देना है या लेखपाल एंट्री लिखकर भेज देना है एडमिशन की पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी ठीक ना गंगा नदी यहाँ पर समाप्त होती है दूसरी बात जरूर बताइएगा अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कैसे पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें क्योंकि जितना अच्छा आप जितना अच्छा आप टीचर का मनोबल बढ़ाएंगे उतना अच्छा टीचर करने के मैं भी जाता हूँ बाद में पढ़ता हूँ कमेंट पढ़ता हूँ सौ कमेंट में एक दो कमेंट ऐसे भी होते हैं जो नकारात्मक भी होते हैं लेकिन ठाटस बना लेता हूँ इतनी मेहनत करने के बाद भी पता नहीं कोई नकारात्मक है तो सकारात्मक सहयोग हमेशा कीजिएगा और चाहे कमेंट ना कीजिएगा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से हर जरूरतमंद के बाद से वीडियो जरूर पहुंचता है ठीक ना तो जरूर अपने शेयर कैसी लाइक क्लास जरूर बताइएगा इसके आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी तंत्र में समझाऊंगा आपको ठीक है मित्रों तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ख्याल रखिएगा प्रवेश आज ही सुनिश्चित कर लीजिएगा ठीक है थैंक यू